प्रियंका गांधी फिर से कोशिश कर रही हैं कि दोबारा से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जान फूंकी जाए। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ मृत्युंजय चौहान और आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं SPN9 न्यूज। प्रियंका गांधी 5 राज्यों में हुई हार के बाद शायद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में फिर से एक बार जान फूंकने की कोशिशों में लग गई हैं। सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी के कंधों पर 5 राज्यों की जिम्मेदारी थी, जहां पर पांचों ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद 3 महीने का वक्त उस चीज को हो चुका है। प्रियंका गांधी समेत कई बड़े बड़े कांग्रेस नेताओं के बीच में बैठकों का दौर जारी रहा। चिंतन शिविर भी उदयपुर में हुआ, लेकिन उसके बाद प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश पहुंची। उत्तर प्रदेश पहुंचने के बाद प्रियंका गांधी ने वहां भी अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, हालांकि वहां पर अजय कुमार लल्लू मौजूद नहीं रहे थे। प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पर अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि देखिए, मायूस होने का वक्त नहीं है, वक्त है कि हम दोबारा खड़े हों, दोबारा से पार्टी के लिए काम करें। जो मायूस थे वो पार्टी छोड़कर चले गए। जी हाँ, कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल पर, हार्दिक पटेल पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने बात कही और अपनी इस बात में प्रियंका गांधी ने क्या खुद कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने कहा, हम सच्चाई से पीछे नहीं हट सकते, तो अब आगे क्या करना है? अगर हम मायूस होकर बैठ जाएंगे और ये सोचेंगे कि आगे कोई आशा नहीं है, निराश हो जाएंगे, तो जिसको निराश होना था वो तो चले गया, जो यहां बैठा है वो तो लड़ने वाला है। आज अगर आप यहां पे मौजूद हैं तो आप वही हैं जो निराश नहीं हुए हैं, आप वो हैं जो संकल्प ले रहे हैं कि आप और भी जोरदार लड़ाई लड़ेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है आप में, आप हिले नहीं, आप छोड़ के नहीं गए। कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां थी, आप अपनी पार्टी के साथ उसकी। तो सुना आपने कि प्रियंका गांधी ने किस तरह से कहा कि जो निराश थे वो पार्टी छोड़कर चले गए और जो लड़ाकू हैं, जो आने लड़ सकते हैं, वो यहाँ बैठे हैं। कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने एक तीर से 2 निशाने साध दिए। प्रियंका गांधी ने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो पार्टी में नहीं रहे, यानी कि पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, और जो लोग पार्टी में बचे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं एक योद्धा की तरह बताया कि आप लड़ सकते हैं, अब इस विचारधारा से लड़ सकते हैं और पार्टी के लिए काम कर सकते हैं। तो क्या प्रियंका गांधी अब 2024 के चुनावों की तैयारी कर चुके हैं? क्योंकि जिस तरह देखा गया कि एक टास्क फोर्स बनाई गई और भारत जोड़ो यात्रा का अभियान शुरू किया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसमें प्रियंका गांधी एक बहुत बड़ा चेहरा रहने वाली है। तो क्या फिर से प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी बड़ी जिम्मेदारी दे चुकी है, और प्रियंका गांधी को जो बड़ी जिम्मेदारी मिली है उसे प्रियंका गांधी कैसे निभाने वाली है, ये देखना बेहद ही दिलचस्प हो जाएगा। और 2024 के चुनाव से पहले कहीं ना कहीं सियासी जबानबाजी इन चुनावों को और भी ज्यादा दिलचस्प बना रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। नमस्कार।